महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को IL&FS घोटाले मामले की जांच के संबंध में ईडी के सामने पेश होने के लिए वो अब ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। राज ठाकरे मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी ने राज ठाकरे को कोहिनूर CTNL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में IL&FS द्वारा 450 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण और इक्विटी निवेश संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में तलब किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई की आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे संवाददाता योगेश शीतल। तो योगेश, राज ठाकरे से ईडी की पूछताछ चल रही है, मुंबई में हलचल क्या है, खास तौर पर क्योंकि मामला काफी बड़ा है? बिल्कुल आंचल, देखिए दो सवाल आपने कहा। सबसे पहले पूछताछ के बारे में आपको बता दूं कि 11:30 बजे राज ठाकरे जो MNS के चीफ हैं, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हेड हैं, वो यहाँ पे आए और ये जो यहाँ पे जोन 1 का ऑफिस है यहाँ पे, यहीं पे राज ठाकरे अंदर गए हैं और इस वक्त जो है जो प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी है वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो IL&FS का जो पूरा मामला है कि किस तरीके से ऋण दिया गया कोहिनूर को, किस तरीके से लॉस होने के बावजूद भी वापस ऋण दिया गया, क्या क्या अनियमितताएं बरती गई, कई सारी चीजें हैं जो कि प्रवर्तन निदेशालय के स्कैनर में है और कई सारी चीजें हैं जो कि आज निकल के सामने आएंगी जब पूछताछ होगा। इसके अलावा दूसरी बात, जहां तक मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उन्होंने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो एक आपको रफ आइडिया दे। आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग की गई है, पूरे जो बेलार प्रेस का पूरा जो बेलार स्टेट का एरिया है वहां बैरिकेटिंग की गई है। जो एरिया है, जो सेंसिटिव एरिया, जैसे ठाणे हो गया, दादर हो गया, जहां पे रहते हैं राज ठाकरे, वहां पे पुलिस के अतिरिक्त बंदोबस्त किए गए हैं। कुछ जगह रोड जो है वो ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया। मैं आपको चाहूंगा वो आपको दिखा दूंगी, सामने देखिए पुलिस की एक बड़ी सी बस लगाई गई है ताकि इस तरफ कोई ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो सके। इसके अलावा बहुत सारे फोर्सेज जो है वो डिप्लॉय किए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो CST है वहां से पास में पड़ता है, उस पूरे रास्ते में जो है पुलिसिया बंदोबस्त खड़े किए गए हैं। कुल मिला के सुरक्षा के जो है काफी व्यापक इंतजाम किए गए। धारा 144 जो है CRPC की, वो चार थाने के जो रिस्ट्रिक्शन जो है वहां पे 144 लगाई गई है और साथ में कुछ जो MNS प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिटेन भी किया गया। जी आंचल, बिल्कुल योगेश, MNS के बहुत ही कद्दावर और बहुत ही लोकप्रिय नेता है अगर हम मुंबई की बात करते हैं। ऐसे में क्योंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल को सर्च करना चाहेगी, तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का दायरा जो ईडी ने बढ़ाया है राज ठाकरे को लेकर, उसमें साफ तौर पर यह भी बात सामने आई कि अलग अलग प्राइवेट कंपनीज जिनकी वित्तीय हालत बेहद खराब थी उनको बिना किसी सूझबूझ के कंपनियों को कर्ज दिए गए। तो यानी अपने आप में विलफुल डिफॉल्टिंग की जब हम बात करते हैं, जब हम जानते हैं कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उस पर बहुत सा NPA है, इस तरह के मामले इस बात की तस्दीक करते हैं। काफी गंभीर सवाल किया है आपने आचल। देखिए, जो पैसों को लेकर जो स्ट्रेस है, जो NPA है, जो जिस तरीके से अनियमितताएं होती आई हैं अब तक, उसका एक हम कह सकते हैं कि एक पूरा चंक जो है वो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि परत दर परत जो है वो खुलता आया है और ये भी उसमें से एक परत है। अगर हम अभी देखें, अभी क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल नेक्सस रहा है शुरू से, क्योंकि जो बिल्डिंग कम्युनिटी है, जो बिल्डर्स है, उनका अगर आप देखेंगे तो उनका पॉलिटिक्स में काफी अच्छा दखल रहता है। कई बिल्डर्स जो है वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में है, कई पॉलिटिशियंस है जहां उनका पैसा लगा रहता है। राज ठाकरे उनमें से पॉलिटिशियंस हैं जिनका बिल्डिंग जो बिल्डर पूरा कम्युनिटी उनमें बहुत अच्छा दखल है और यही कारण है कि अगर कोई अपने मतलब अपने स्टेक को अगर सरेंडर कर रहा है वो भी घाटा सह के, तो ये चीजें जनरली डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉफिटिंग मार्केट में, लेवल प्लेइंग फील्ड में अगर आप देखें तो ऐसा होता नहीं है। निश्चित तौर पर इसके पीछे या तो मनी लॉन्ड्रिंग की गई होगी, जैसा कि हमने पहले भी देखा था मामले में जब छगन भुजबल जेल में रहे थे, उनसे भी यही प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ हुई थी और फिर देर शाम उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो इस तरह के महाराष्ट्र में इस तरह के मामले और ज्यादा है, क्योंकि रियल एस्टेट के अगर क्षेत्र में देखें तो महाराष्ट्र खासकर मुंबई की अगर पर्टिकुलर बात करें, उभरता हुआ शहर रहा है, रियल एस्टेट को लेकर अपार संभावनाएं यहां पे। ये संभावनाएं सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, सिर्फ प्राइवेट पार्टीज, कंपनी, बैंक्स के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स के लिए। जी बहुत संक्षिप्त योगेश, आपसे एक चीज और कि जो नोटिस ईडी ने पहुंचाया था राज ठाकरे को, आखिर उस नोटिस का मतलब क्या था इस मामले को लेकर जो उन्हें तलब किया गया है? अगर आम भाषा में समझना चाहें तो ये तो हम समझ रहे हैं कि 450 करोड़ रुपए का घोटाला है। जो तलब किया गया उस नोटिस में आखिर जो मेन केंद्र बिंदु थे वो क्या थे?
आसान शब्दों में मैं आपको कहूं तो जो IFNSL जो है, जो LNFS है, जो कंपनी है, वहां से लोन देने की बात है। और जो कोहिनूर कंपनी, कोहिनूर जो हाइट से जिनको लोन दिया गया, उसमें तीन लोग थे, जिनमें एक राज ठाकरे थे, एक उनमें जोशी थे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के बेटे हैं, और एक जो है राजन शिरोडकर। ये तीन लोग थे और इन लोगों ने मिलकर जो है वो उसमें उनका पैसा लगा था। बाद में क्या हुआ, 2008 के करीब में मामला ये हुआ कि इन्होंने अपना जो स्टेक है वो वापस कंपनी को बेच दिया और राज ठाकरे इससे बाहर आ गए। पूरा खेल यहीं से शुरू हुआ कि किस कारण से नुकसान सह के स्टेक वापस दिया गया, और फिर धीरे धीरे करके जो है डिफॉल्टर होने के बावजूद IFS ने इनको लोन दिया। ये पूरी की पूरी कहानी है कि जब डिफॉल्टर है, जब ये पैसा नहीं चुका पा रहे, 500 मतलब ज्यादा करोड़ का था, इन्होंने कम पैसे में ही जो है वो सेटलमेंट किया और वापस इनको वहां से लोन मिला। तो पूरी की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि लोन किस लिए दिया गया, किस हिसाब से दिया गया, लगातार जो नियम से प्रोविजन है उनको कैसे कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, तो नियमों का उल्लंघन किया गया ये लगातार ये बात सामने आ रही है, और इस वक्त पूछताछ चल रही है राज ठाकरे से। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी इस महत्वपूर्ण मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से अल्पविराम का।